सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। अब गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जैसे ही हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो हमें अपनी साइट पर एड शो करना होता है। वो कैसे करना है इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको गाइड करने वाली हूँ। मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए थे कि मैम मुझे अप्रूवल मिल गया है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ऑटो ऐड लगाएं, कुछ लोग बोलते हैं मैनुअल ऐड लगाएं, तो क्या एग्जैक्टली हमें किस तरह की ऐड लगानी है, क्या सही प्रोसेस होगी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अब देखेंगे कि जैसे डैशबोर्ड में यहाँ पर मुझे अभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड, है ना। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी ओल्ड वेबसाइट है, इससे मैंने एडसेंस को डिलीट कर दिया था और इसके कंटेंट को भी डिलीट कर दिया था, ये फ्रेश डोमेन कर दिया था, बट डोमेन एज पुरानी थी तो मैंने फिर इसमें कुछ कंटेंट को वापस अपलोड किया। वो कैसे किया है ये वाला कंप्लीट प्रोसेस मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपका कोई ओल्ड ब्लॉग है जिससे बाय डिफॉल्ट आपने एडसेंस डिलीट कर दिया था तो उसमें एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना, इसकी वीडियो मैं आपको एक और डेडिकेटेड वीडियो में बता दूंगी। तो ये कुछ केस इस साइट के साथ था, इसका एडसेंस डिलीटेड था और फिर बाद में मैंने वो पुराना ही कंटेंट अपलोड करके इसमें एडसेंस अप्रूवल लिया। तो आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ही ये एडसेंस अप्रूवल मिला है, मतलब कि 25 अप्रैल को मैंने ये गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है 2 दिन पहले, आज 27 अप्रैल है, पिछले 25 तारीख को ये अप्रूवल मिला। तो इसी पे मैं आपको बताऊंगी कि गूगल एड प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो ये अप्रूवल हो गया है, अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड में आएंगे तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड में यहाँ पर 00 दिख रहा है, मैंने न्यू एडसेंस से यहाँ पर अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ पर साइट पे जाती हूँ तो देखिए वो डोमेन है यहाँ पर रेडी है, किसी रीजन से मैंने .txt की फाइल अभी रिमूव की है, बट आपका जो .txt की फाइल है जब आप अप्लाई करते हो तो आप कोड पेस्ट करते हो, कोड कहाँ मिलता है, ये जो ऐड लिखा है ना ऐड, यहाँ पर ये जो गेट कोड लिखा है ये वाला कोड आप ऑलरेडी पेस्ट करते हो जब आप अप्लाई करते हो एडसेंस के लिए, तो ये पेस्ट है और .txt की फाइल आपकी पेस्ट होगी तो यहाँ पर आपको ऑथराइज लिखा आ रहा होगा, है ना। तो कोड ऑलरेडी आपकी वेबसाइट से लिंक है, .txt की फाइल लिंक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपकी साइट हो गई अप्रूव, आपके पास भी कुछ इस तरह से मैसेज होगा, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड, और इस तरह से आपके पास भी डैशबोर्ड होगा, है ना। अब आपको अपनी साइट को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको ऐड पे आ जाना है। अब ऐड पे आने के बाद यहाँ पर आपको दो तरह से ऐड दिखेंगी, एक ऑटो ऐड का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर बाय ऐड यूनिट मतलब एक मैनुअल ऐड का ऑप्शन दिखेगा। आप अपनी वेबसाइट में दो तरह की ऐड लगा सकते हैं। ऑटो ऐड का मतलब अगर आप ऑटो ऐड को ऑन करते हैं तो गूगल आपकी साइट पर ऐड प्लेसमेंट करता है, वो वहाँ पर जहाँ पर आपकी वेबसाइट में एक राइट प्लेस होगी वहाँ पर गूगल खुद आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाएंगे। और मैनुअल ऐड का मतलब होता है कि जहाँ पर आपको ऐड लगानी है आप खुद से प्लेस कर सकते हैं। तो दो तरह की ऐड होती है, मैं अपनी वेबसाइट में दोनों ऐड यूज़ करती हूँ। मैं मैनुअल ऐड बनाती हूँ, मैं बेसिकली 3 ऐड बनाती हूँ जिससे मेरा CTR बहुत अच्छा होता है और मेरा रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, अभी अभी अप्रूव्ड हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटो ऐड ही यूज़ करना चाहिए। ऑटो ऐड बहुत अच्छे से आपकी वेबसाइट में ऐड प्लेसमेंट करते हैं और आपको रिवेन्यू भी अच्छा मिलता है, और उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन बाद आप अपनी वेबसाइट में मैनुअल ऐड लगा सकते हैं। और मैनुअल ऐड आप सिर्फ 2 या 3 मैनुअल ऐड लगाएं, बाकी ऑटो ऐड ऑन रहने दें। जो मैं अपनी वेबसाइट पे करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, कि मैनुअल ऐड आपको कम से कम 2 या 3 मैनुअल ऐड लगानी है, बाकी ऑटो ऐड का ऑप्शन ऑन रहने देना है। और वो कौन सी 3 ऐड लगानी है इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे वो कौन सी 3 ऐड है जिसको मैं अपनी साइट पर प्लेस करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट होता है और मेरा CTR भी बहुत इंप्रूव होता है। अगर वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। मैनुअल ऐड बनाना मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगी। आपका न्यू एडसेंस अप्रूव्ड हुआ है तो आपको सिंपली ऑटो ऐड ऑन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो देखिए पेंसिल का बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी साइट का प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये साइट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑटो ऐड लिखा है ना, इसको ऑन कर देना है। ये सिंपली इसको ऑन कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इनको आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे बाय डिफॉल्ट है इसे ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर ओवरले फॉर्मेट में आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें, तो ये अभी आप कुछ मत करिए, ये अभी आपकी न्यू साइट अप्रूव्ड हुई है ना, सिंपली इसे अप्लाई टू साइट कर दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर आपका ये ऑटो ऐड ऑन हो गया, बस इतना ही करना है। कोड ऑलरेडी पेस्ट है, .txt की फाइल ऑलरेडी पेस्ट है, यहाँ पर जाके आपको सिंपली ऑटो ऐड ऑप्शन को ऑन करना है बस, और छोड़ देना है आपकी साइट। ऑलरेडी आपकी साइट में क्या दिखेगा, एड दिखने लगेगी।
अगर तुरंत तुरंत नहीं दिखती है तो थोड़ा सा कैशे क्लियर कर दीजिए वेबसाइट का, फिर वो आपकी वेबसाइट में थोड़ी देर में एड्स अपने आप शो होती हैं, और यहाँ पर जो भी आपका रिवेन्यू बनेगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। और मैनुअल ऐड कैसे लगानी है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।